राज्य शिक्षा केंद्र, पुस्तक भवन, बी विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल। आदेश क्रमांक 1363, भोपाल, दिनांक 11 जून 2021। अत्यावश्यक प्रति, जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिला, मप्र। विषय हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत प्रयास अभ्यास पुस्तिका का मुद्रण कराने एवं 15 जुलाई के पूर्व सामग्री बच्चों को उपलब्ध कराने विषयक। विषयांतर्गत लेख है कि वर्तमान में कोविड-19 के कारण विगत सत्र माह मार्च 2020 से शालाएं पूर्णतः बंद है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विगत सत्र से अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सन 2021-22 में जब तक की परिस्थितियां सामान्य नहीं हो जाती है, बच्चों के शैक्षणिक उन्नयन हेतु प्रत्येक स्तर से सार्थक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, जिस हेतु राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा विभिन्न न चरणों में कार्य करने की योजना तैयार की गई है। वर्तमान परिस्थिति में सत्र के प्रारंभ में निम्नानुसार गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। 15 जून से 15 जुलाई आओ सीखें बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से विभिन्न भावनात्मक विकास की दृष्टि से व शैक्षणिक समझ की दृष्टि से छोटे छोटे ऑडियो वीडियो पूर्व सत्र के अनुसार भेजे जाएंगे। 16 जुलाई से 15 अगस्त हमारा घर हमारा विद्यालय प्रयास अभ्यास पुस्तिका डिजिलेप के माध्यम से भेजे जा रहे ऑडियो वीडियो की निरंतरता रखते हुए बच्चों को सरल एवं विषय की प्रारंभिक समझ को विकसित करने की दृष्टि से 24 पृष्ठ आगे पीछे मिलाकर 48 पृष्ठों की सामग्री जिलों को उनके मेल पर प्रेषित की जा रही है। इन 24 पृष्ठों की सामग्री को जिले स्तर पर कक्षा 1 व 2 हेतु, कक्षा 3 से 5 हेतु दोनों समूह कह बहुरंगी व कक्षा 6 से 8 हेतु श्वेत श्याम में मुद्रित कराकर बच्चों उनके घर पर कार्य करने के लिए 15 जुलाई के पूर्व उपलब्ध करानी होगी। उप मुद्रण कार्य जिलों में विगत सत्रों में की गई मुद्रण सामग्री बहुरंगी मुद्रण हेतु अन्वेषिका एवं श्वेत श्याम मुद्रण हेतु प्रतिभा पर्व के प्रश्न पत्रों की निर्धारित दरों के अनुसार जिलों द्वारा पूर्व में की गई प्रक्रिया के आधार पर पूर्व सत्रों में कराए गए कार्य की निर्धारित दरों के अनुक्रम में प्रति पृष्ठ की दर के मान से इन अभ्यास पुस्तिकाओं का मुद्रण कार्य कराने हेतु आवश्यक भंग डार क्रय नियमों का पालन करते हुए समय सीमा में मुद्रण कार्य कराकर सामग्री 15 जुलाई 2021 के पूर्व बच्चों तक भेजना सुनिश्चित करें। इन वर्कशीट के अतिरिक्त बच्चों से घर पर रहते हुए शिक्षकों अथवा वॉलंटियर के सहयोग कुछ अन्य गतिविधियों भी बच्चों के बहुत छोटे समूहों में कराई जा सकती है। पालक अभिभावक बच्चे गतिविधियां करवाएं और उनके फोटो और पीडियो बनाकर अपने शिक्षकों को प्रेषित करें। उदाहरण के लिए गतिविधियां निम्नानुसार हो सकती है। कक्षा 1 व 2 के बच्चों हेतु गतिविधियां। एक पालक अभिभावक बच्चों को मानक और स्थानीय भाषा में बाल गीत, खेल गीतों, छोटी लोक कथाएं, लोरियां, गीत कथाएं, पहेलियां आदि सुनाएं और सुने। 2 मिट्टी के खिलौने बनाएं। 3 मनपसंद चित्र बनाएं। 4 रंगीन और कलात्मक पत्थरों टुकड़े एकत्रित करें। 5 इन पत्थरों से पैटर्न आकृतियां बनाएं। 6 इन पत्थरों को रंग कर सजाएं। 7 लकड़ी प्लास्टिक के टुकड़ों वाले चित्रों आकृतियों पजल्स को अलग करके जोड़ें। कक्षा 3 से 5 के बच्चों हेतु गतिविधियां। एक पालक अभिभावक बच्चों को मानक और स्थानीय भाषा में बाल गीत, खेल गीतों, छोटी लोक कथाएं, लोरियां, गीत कथाएं, पहेलियां आदि सुनाएं और सुने। 2 मिट्टी के खिलौने बनाएं। 3 मनपसंद चित्र बनाएं। 4 रंगीन और कलात्मक पत्थरों टुकड़े एकत्रित करें। 5 इन पत्थरों से पैटर्न आकृतियां बनाएं। 6 इन पत्थरों को रंग कर सजाएं। 7 मानक और स्थानीय भाषा बाल गीत, लोक कथाएं, गीत कथाएं, पहेलियां, खेल गीतों, लोक गीतों आदि को याद करें, इन्हें लिखकर संग्रहित करें। 8 अपने पालकों अभिभावकों से आसपास दिखाई देने वाले पक्षियों के नाम पता करें और उनकी सूची बनाएं, संभव हो तो उनके फोटो लें। 9 गणितीय पहेलियों को संग्रहित करें और उनके हल खोजें। 10 समाचार पत्र पत्रिकाओं में दी गई पहेलियों कविताओं गीतों कहानियों आदि का संग्रह बनाएं। 11
शब्द वर पहेलियों समस्याओं को हल करें, चित्रों में रंग भरें। 12. ओगमी कला को सीखें और आकृतियां बनाएं। 13. रंगीन कागज या पुरानी पत्रिकाओं के रंगीन पृष्ठों के टुकड़ों से कोलाज बनाएं। 14. घर आंगन में कैरम, लूडो, सांप सीढ़ी, अष्टाचंगा, नागिन टापू आदि खेल खेलें। 15. यदि आपने कोई नया खेल खेला जिसे आप सभी को बताना चाहते हैं तो कृपया उसे शिक्षक की सहायता से राज्य शिक्षा केंद्र को लिखकर भेजें, जिसे पत्रिका गुल्लक में बच्चों के नाम के साथ प्रकाशित किया जाएगा। 16. बच्चे सोचकर लिखें कि यदि घर में दाल सब्जी खत्म हो जाए तो वो घर में क्या बना सकते हैं। कक्षा 6 से 8 के बच्चों हेतु गतिविधियां। कक्षा 6 से 8 के बच्चों द्वारा निम्न गतिविधियों की जा सकती हैं। 1. लॉकडाउन के दौरान उन्होंने घर पर रहते हुए क्या क्या किया, उसे अपनी दैनिक डायरी पर लिखें और उसे स्कूल खुलने पर अपने शिक्षक के माध्यम से जिला स्तर पर जमा कराएं। 2. यदि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने कोई नया मजेदार खेल खेला है जो बच्चे अपने साथियों को बताना चाहते हैं तो उसे भी लिखकर जिला स्तर पर जमा कराएं। 3. बच्चे अपने परिवार में दादा दादी नाना नानी से यह जानने का प्रयास करें कि क्या पहले कभी ऐसी महामारी को उन्होंने देखा या सुना है। यदि हाँ तो उस समय वो उस महामारी से बचने के लिए क्या क्या उपाय करते थे, जानें और उसे लिखकर जिला स्तर पर जमा कराएं। 4. बच्चे अपने आसपास प्रचलित लोक कथाओं लोकगीतों को संग्रहित करें, उसे लिखकर जिला को जमा करें। इन लोक कथाओं लोकगीतों को वो अपनी आवाज में मोबाइल से रिकॉर्ड कर भी उपलब्ध करा सकते हैं। 5. लोक कलाओं के अंतर्गत पेंटिंग, मिट्टी आदि के सामान या ऐसी ही अन्य सामग्री तैयार करना सीखें और उसे शाला में सुरक्षित रखें। बच्चों को घर में रहते हुए इन कार्यों को करने हेतु शिक्षक द्वारा पालकों का सहयोग लिया जाए।